जनरल स्किल नॉलेज। आज का जो मेरा टॉपिक है HTML में वो लिस्ट का है, यानी जैसे देख रहे हैं आप, यहाँ मैंने बनाया हुआ है लिस्ट। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो पहली लिस्ट आएगी हमारे पास वो अनऑर्डर्ड लिस्ट होगी, अनऑर्डर्ड HTML लिस्ट, और दूसरी जो आएगी ऑर्डर्ड होगी। तो अनऑर्डर्ड में कॉफ़ी टी मिल्क है, ऑर्डर्ड में कॉफ़ी टी मिल्क है। तो अब इसको मुझे रन कराना है, तो आइए रन कराते हैं इसको, देखते हैं। सेव एज में हम आएंगे, जो लोकेशन हमने दी है डेस्कटॉप की, तो यहाँ list.html, ओके, .html लिखा मैंने, सेव कर दिया। इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ, तो देखेंगे आप यहाँ पे लिस्ट का ऑप्शन है। ओके, कुछ सेकेंड वेट किया, देन यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो आप देखिए यहाँ अनऑर्डर्ड लिस्ट और यहाँ अनऑर्डर्ड लिस्ट है। तो इस तरीके से देखिए ये मतलब बुलेट्स हैं और यहाँ पे नंबर्स है, तो बुलेट्स में अलग है और नंबर्स में अलग है। तो अगर हमें बुलेट्स देना है तो हम बुलेट्स दे सकते हैं, नंबर देना है तो नंबर दे सकते हैं। अब आप देखेंगे कि जो बुलेट्स वाले में UL लगा है और क्या कहते हैं नंबर्स वाले में OL लगा है, लिस्ट दोनों है, LI यहाँ भी है, LI यहाँ है। ओके, तो UL आपका हो जाता है बुलेट्स का और OL हो जाता है मतलब नंबर्स का इसमें। तो जिस तरीके से आप यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे बुलेट्स है और यहाँ नंबर है, यानी अगर हमें बुलेट्स नंबर को बनाना है तो हम इस तरीके से बना सकते हैं। ओके, अब अगर यहाँ कोई चेंजिंग करनी है तो हम चेंजिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे मान लीजिए शुगर हमने लिख दिया, ओके, शुगर, इसको मैंने सेव कर लिया। ओके, देन यहाँ पे अभी देखिए मैं जैसे अब 5 करूँगा तो यहाँ चेंज हो जाएगा, शुगर आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से अगर हमें HTML में लिस्ट की कोडिंग करनी है तो हम कर सकते हैं। ओके, आप देख रहे हैं बिल्कुल सिंपल है, कोई हार्ड नहीं है। तो इस तरीके से हमें ऑर्डर लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट बना सकते हैं। ओके, तो जैसे कि आप देख रहे हैं आउटपुट इसी तरीके से दिखेगा। ओके, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।